सो गाइस, मैं तो कहीं तो जा रहा हूँ और आपको मैं बता रहा हूँ जाने के लिए क्या क्या पैक कर रहा हूँ। और ये मेरा सेकंड इंटरनेशनल ट्रेवल है। फर्स्ट एक्चुअली फर्स्ट नेपाल था, तो उसको मैं क्या ही काउंट करूँ। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या क्या पैक कर रहा हूँ। तो ये देखो मैंने क्या क्या पैक किया है। एक बैग लेके जा रहा हूँ जिसमें अभी मैं अपना वो लैपटॉप रखूँगा, और ये एक हाफ टी शर्ट, देन ये एक स्वेट शर्ट, देन दो जीन्स डाल रहा हूँ। इसमें मेरा पासपोर्ट है, एक एक्स्ट्रा फ़ोन, वॉलेट, और ये क्या है वो एक डियो और टूथब्रश। सो अभी इस शर्ट को भी डालना है, ये थोड़ा सा आयरन करना है, और बाकी एक ही बैग में सारे चीज़ को पैक करना है और फिर इधर से निकलना है। और कहाँ जा रहा हूँ, बस बिहार से बहुत ही नज़दीक है। सो चलो मैं आपको 5 मिनट में बताता हूँ। चलो से निकलता हूँ। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि मैंने सामान पैक कर लिया है और कहाँ जा रहा हूँ वह रास्ते में बताऊँगा। तो अभी मैं हूँ बस में और मैं हूँ बिहार मोतिहारी अपने होम टाउन में, और यहाँ से मैं जा रहा हूँ जलगांव, जयगांव ना है ना। हाँ, तो यहाँ से मैं जा रहा हूँ जयगांव, और जयगांव से तो मैं जा रहा हूँ वर्ल्ड का हैप्पीस्ट कंट्री जिसको बोलते हैं भूटान। सो मैं जा रहा हूँ भूटान, और मैं नेपाल ट्रिप नेपाल किया था जिस बंदे के साथ, उसके साथ ही भूटान कर रहा हूँ। तो फ्यूचर में भी ये बंदा मेरे ब्लॉग में दिखते रहेगा हमेशा। तो ये भूटान का जो ट्रिप है वो कुछ पहले तो सबसे लास्ट ईयर होने वाला था, वो नहीं हुआ। फिर इस साल मार्च में होने वाला था, भाई साहब ने अपना प्लान का कुछ कर दिया। उसके बाद आज फिर मौका मिला है, बहुत ही अगेंस्ट द मोशन हम लोग जा रहे हैं कि जो समय है वो नहीं चाहता था कि हम लोग कहीं जाएं, लेकिन फिर भी हम लोग पुश्ड इट वेरी हार्ड एंड नाउ वी आर फाइनली ऑन अ बस बोर्डिंग टू मोस्ट हैप्पीस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। एक्चुअली मोतिहारी में बारिश भी होने लगा था, मौसम वेदर खराब था, और घर वाले भी बोल रहे थे क्यों जाना उधर का रास्ता खराब है। तो सब कुछ मैनेज करके निकले हैं, होप सब कुछ अच्छा होगा। सो चलते हैं वर्ल्ड के सबसे हैप्पीस्ट कंट्री में, देखते हैं कि कैसा है वो हैप्पीस्ट कंट्री। तो मिलते हैं आपको, फिर रास्ते में कुछ अच्छा होता है, कुछ अपडेट होता है तो मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखो हमारा कुछ बस ऐसा है, ये लोअर बर्थ है इधर, और इधर जनरली स्लीपर बसेस ही मिलती हैं और सीटिंग वाली भी मिलती है, बट इतना लंबा अगर टूर आपको करना है तो सीटिंग में तो हो नहीं पाएगा, तो इसलिए हम लोग स्लीपर बस लेके जा रहे हैं। काफ़ी नीट एंड क्लीन और अच्छा बस है। चलो आपको रास्ते में कुछ बढ़िया मिलता है तो आपको दिखाता हूँ। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बात बताना भूल गया मैं कि मैं मोतिहारी से जयगांव तो जा रहा हूँ वेस्ट बंगाल में, वहाँ से मैं होते हुए बाई रोड घुसूँगा भूटान में, बट क्या फेयर है क्या किराया है ये चीज़ मैं बताना भूल गया। तो देखो मैं जहाँ से हूँ, मतलब मैं मोतिहारी ईस्ट चंपारण बिहार से हूँ, तो यहाँ से जयगांव जहाँ जहाँ मतलब वो जगह इंडिया का बॉर्डर है, और फिंसलिंग जो है वो भूटान का बॉर्डर है, तो वहाँ एंड पॉइंट है। तो मोतिहारी से जयगांव जाने के लिए, भूटान में इंटर करने के लिए आपको बस चार्जेस लगेंगे 900 पर पर्सन फॉर स्लीपर और 700 फॉर सीटर। तो अप्रॉक्स 15 घंटा लग रहा है, तो 15 घंटा सीटर में तो हो नहीं पाएगा, तो ऑब्वियस है कि स्लीपर ही लेना पड़ेगा। तो हमने स्लीपर बुक किया है, और ये देखो मस्त इधर काम भी कर रहा हूँ, चार्जिंग पॉइंट भी वगैरह दिया हुआ है। तो यहाँ एक ढाबा पे रुकी है, और यहाँ हमने अभी जस्ट खाना खाया, तो अभी यहाँ के बाद डायरेक्ट जॉग है जयगांव में रुकेगी। तो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी नेक्स्ट डे है, सुबह हो गई है, और अभी हम वेस्ट बंगाल में 2 घंटा में फिर जलगांव पहुँच गए। जस्ट अभी हम लोग उतरे हैं बस से, ये है जयगांव का बस स्टॉप। तो यहाँ से उतरने के बाद यहाँ से अब ऑटो रिक्शा लेना पड़ेगा, और हमें जाना पड़ेगा फुंसलिंग। तो भाई ये ऑटो हम लोग को यहाँ तक तो छोड़ दिया, मतलब अभी हम लोग बोलतर पे हैं, और पीछे देखो आप तो ये भूटान का बॉर्डर है, दिखाता हूँ आपको। तो अगर पीछे देखो तो ये भूटान का बॉर्डर है। अब यहाँ से हमें अंदर एंटर करना है, तो फिलहाल एक सामने में रेस्टोरेंट दिख रहा है, इधर उतर के थोड़ा देर रेस्ट करते हैं, और मुझे ऑफिस का काम भी है, तो थोड़ा ऑफिस का काम करते हैं फिर निकलते हैं। अभी बैठ के मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, मतलब
और ये ऑफिस नहीं है, ये है एक कैफ़े। एक्चुअली हम अच्छा सा लॉज ढूंढ रहे थे, बट यहाँ जो भी लॉज मिल रहा है ये जलगांव के आसपास में, उसमें वाईफाई ढंग का नहीं है, और प्लस जो भी इंडियन नेटवर्क है उसका भी अच्छे से नेटवर्क नहीं आ रहा है। अदरवाइज़ आपको भूटान में जाकर, मतलब फंसलिंग में जाकर आपको सिम लेना पड़ेगा। तो फिलहाल तो अभी एक काम था, तो मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, अभी काम होते हुए अब मतलब जैसे ख़त्म होता है फंसलिंग निकलते हैं। सो आई एम डन विथ माई वर्क, और अभी कुछ भूख लगा था तो कुछ ऑर्डर किया था। सो ये हुआ पूड़ी और सब्जी, और साथ में एक लस्सी भी ऑर्डर किया था। तो चलो ये खाते हैं, उसके बाद निकलेंगे फंसलिंग भूटान के लिए। भूटान में आपको इंटर करने के लिए आपको चाहिए यहाँ का पैकेज, मतलब टूर पैकेज विदाउट गाइड और प्लस विदाउट ट्रैवल इंश्योरेंस और क्या बोलते हैं वहाँ होटल बुकिंग वगैरह सब करके आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि शेयरिंग गाड़ी वगैरह नहीं करते, डायरेक्ट ऐसा नहीं जा सकते। तो हम एक ट्रैवल एजेंट के पास आए हैं, वहाँ हम बुकिंग करा रहे हैं, आपको हम दिखाते हैं। तो ये है यहाँ हम टूर ट्रैवल पे आए हुए हैं, और यहाँ से हम पूरा पैकेज ले रहे हैं। तो एक बार मैं आपको ब्रेकडाउन करके बताता हूँ कि कैसे लगता है। तो ये है हमारा पैकेज, इधर हमारा नाम है, और 3 nights 4 days का है, और 29 को हम लोग फंसलिंग और थिंपू में स्टे कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग पारो जा रहे हैं, और ये एक डबल बेडरूम, सिंगल बेडरूम प्लस डबल बेड, भूटान में पॉपुलेशन नहीं था, और एकोमोडेशन में एक रूम डबल बेडरूम लिया हमने। तो ये है हमारा पूरा ब्रेकडाउन, और हमें लग रहा है इतना चार्जेस। इंडियन पासपोर्ट होल्डर होने का बेनिफिट उठाया जा रहा है, ये देश बाकी दुनिया के लोगों के लिए एक दिन का $300 चार्ज करता है, बट इंडियन के लिए सिर्फ ₹1200। पहली बार जिंदगी मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं एक इंडियन पासपोर्ट होल्डर, मैं इंडियन सिटीजन होने को के लिए बहुत प्राउड हूँ, ऐसा नहीं है, बट पासपोर्ट होल्डर के लिए मुझे गर्व है। और मेरे में तो पहली बार ये इंक होने जा रहा है, पहली बार इमिग्रेशन स्टाम्प लगेगा इस पर, तो इसलिए मैं जानबूझ के ये पासपोर्ट यूज़ कर रहा हूँ। सो ये है इमिग्रेशन पॉइंट जहाँ आपको जाना पड़ेगा। तो फाइनली पासपोर्ट चेक करके हमें एंट्री मिल गई, अभी इधर मेटल डिटेक्टर वगैरह के लिए चेक करेंगे, फिर एंट्री मिलेगी उधर के लिए। बैग ओके, आर यू मेकिंग वीडियो और नॉट? यस यस, आई एम मेकिंग वीडियो। द वीडियो शुड नॉट अलाउ टू मेक हियर, यू नीड टू। सो व्हाइल मेकिंग वीडियो जस्ट गॉट मी एंड दे आर सेइंग लाइक फिल्म मेकिंग इज नॉट अलाउड हियर, फर्स्ट क्रॉस द इमिग्रेशन प्रोसेस, कंप्लीट योर इमिग्रेशन प्रोसेस, देन स्टार्ट फिल्मिंग वीडियो। सो एज ऑफ नाउ आई एम क्लोजिंग माई वीडियो। भूटान बॉर्डर वेर यू हैव टू डन, यू हैव टू लाइक डू द ऑल द फॉर्मेलिटीज, पासपोर्ट चेकअप एंड ऑल, योर बैग चेकअप एंड एवरीथिंग, देन यू कैन गो टू आउटसाइड। So this is the insurance you have to take before the entry in the country. You have to also see here number of kids, it's 2, and I mean Sabir Chobe, because isne pehle apna passport diya tha, so that's why, and they are mentioned like 2 people can enter on this travel insurance. Ho gaya invitation point pe hame welcome ho gaya hai, और इसको पहना के वेलकम करते हैं, तो हमारे टूर गाइड ने इसको पहना के वेलकम कर दिया। अभी हम लोग जा रहे हैं अपने कार पे, वहाँ से निकलेंगे। सो लेट्स गो। सर एक बार अपने टूर एंड ट्रेवल्स के बारे में बता दो कि अगर कोई आना चाह रहा है तो उसको क्या कॉस्ट है और कैसे जाना है। सर ऐसा है कि अभी भूटान में अफ्टर कोविड के बाद बहुत सारा रूल चालू हो चुका है, जिसमें कि HDF चार्ज लगता है, कोई भी इंडियन आदमी अगर भूटान में स्टे करता है तो ₹1200 उनका पर नाइट देना पड़ेगा, अगर 5 साल से 12 साल के बच्चे हैं तो उनको ₹600 पर नाइट देना पड़ेगा, साथ में गाइड लेना पड़ेगा जिसका मिनिमम रेट आपका 1800 से 2000 पर डे होगा,
और एक इंश्योरेंस बनाना पड़ता है जो 600 रुपया पर वन टाइम के लिए 600 रुपया लगता है, 7 डेज के लिए रहता है। आपका टोटल पैकेज क्या है और आपका टूर ट्रेवल्स का नाम? सर मेरा टूर एंड ट्रेवल्स का नाम बीके टूर एंड ट्रेवल्स है, वो एकदम भूटान गेट के पास है हमारा। मेरा नंबर है 9593837520 और हमारा पैकेज तो आपकी टूर आइटनरी के हिसाब से बनता है। तो आप जैसे हमको अगर इस नंबर में मेरा व्हाट्सअप भी है, अगर आप हमको भेजेंगे तो मैं आपको पैकेज बना के व्हाट्सअप में भेज दूंगा और आपके लिए सर्विस के लिए कोई किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम हमेशा बढ़िया सर्विस देने के लिए ही रहता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सो अभी हम गेट पे हैं भूटान के और ये देखो इधर है भूटान और ये है इमिग्रेशन ऑफिस, इसके उस पार है इंडिया। तो हमारा वेलकम हो गया और हम जा रहे हैं अभी भूटान फंसलिंग में और हमारे पास एक गाइड भी है। सो चलो आपको मैं गाइड से मिलता हूँ। सो व्हाट्स योर नेम? Manage upon the like mutual understanding between the drivers. Okay. We don't have traffic lights, traffic signals. We don't have anything. And what is the reason behind it? Why they have not installed traffic light and all? The main reason is that we don't have that much of traffic as well. So that's why there is no need of like traffic. And to reduce the pollution of the country. Yes. Okay, sure. Nice. So we'll continue this conversation ahead. Sure. So, yeah. We still nice to meet you. We still have like 4 days again. Yeah, yeah. We'll be talking a lot. Okay, okay then. So, ये passport, ये हमारा passport और इस पे लग गए इमिग्रेशन समीर और समीर के भी। ये पहला है, ये है एंट्री परमिट और ये है स्टैम्प, इमिग्रेशन स्टैम्प। इंडिया नहीं लगाता है कि इंडिया ओपन बॉर्डर रखता है, भूटान के भूटान ही है जो उसने रिस्ट्रिक्ट किया है, इंडिया ओपन है। इंडिया अगर आप जाते हैं तो आपको कोई इमिग्रेशन स्टैम्प कुछ नहीं लगेगा। इंडिया छोड़ते भी तो नहीं लगता है। जनरली क्या होता है, जब इंडिया से बाहर जाते हैं तो पहले इंडिया का एग्जिट स्टैम्प लगता है, फिर जिस से अंदर जा रहे हैं वहाँ पर आपको एंट्री स्टैम्प लगता है। पर इंडिया चूंकि एग्जिट स्टैम्प नहीं डालता है, सिर्फ एंट्री स्टैम्प ही जो कंट्री पहुँचाने के लिए सिर्फ एंट्री स्टैम्प लगता है। So officially we are in Bhutan, correct? In the Kingdom of Bhutan. Kingdom of Bhutan. So okay, as of now I'm sign up for the day and I'm starting another blog from here. So we'll see you in next blog. So bye bye.